रिम डिफेंस एकेडमी की अनुभवी टीम के साथ अपनी तैयारी को बेहतर बनाने के लिए अभी डाउनलोड करें प्ले स्टोर से रिम डिफेंस एकेडमी ऐप। नमस्कार दोस्तों, मैं रणवीर चौधरी, रिटायर्ड असिस्टेंट कमांडेंट सीआरपीएफ। रिम क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज अपन एक ऐसी वैकेंसी के बारे में बात करेंगे जिसका ज्यादातर बच्चों को पता नहीं होता है। अगर पता होता है भी तो एक अजीब सा डर रहता है कि ये मेरे लायक नहीं है, शायद मैं इस वैकेंसी को पास नहीं कर पाऊंगा, शायद ये जॉब मेरे लायक नहीं है। तो ये स्थिति जिन बच्चों में होती है उनका आज मैं एक डर दूर करने वाला हूं। इस वैकेंसी के बारे में मैं पूरी डिटेल्स आपको बताऊंगा और ये वैकेंसी है दोस्तों 3 स्टार की, डायरेक्ट 3 स्टार का जॉब आपको मिलने वाला है, जिसमें राजपत्रित एक गजेटेड ऑफिसर बनने का मौका मिलता है, डायरेक्ट डीएसपी बनने का मौका मिलता है। तो इस वैकेंसी की पूरी डिटेल्स आज मैं आपको बताऊंगा, पूरा वीडियो अंत तक देखिए, सारी जानकारी आपको एक ही जगह मिल जाएगी। अगर आप भी ग्रेजुएट हैं, अगर आपने स्नातक किसी भी सब्जेक्ट में कंप्लीट कर लिया है या अंतिम वर्ष के छात्र हैं तो भी आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। अभी वैकेंसी भी ये निकली हुई है और हर साल वैकेंसी निकलती है दोस्तों। इस वैकेंसी का नाम है CAPF असिस्टेंट कमांडेंट एग्जाम, सहायक कमांडेंट परीक्षा। UPSC इस परीक्षा का आयोजन करती है। जो बच्चे पहली बार चैनल पे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जो बच्चे मुझे नियमित रूप से सुनते हैं वो एक बार वीडियो को लाइक करिए और उसके बाद में दोस्तों पूरा देखिए। तो इस वैकेंसी की पूरी जानकारी मैं आपको देने से पहले बता दूं, अगर आपको पहले से इसका पता है तो भी आज की वीडियो के बाद आपके काफी डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। जो डर आपको अभी तक लग रहा है इस एग्जाम के नाम से वो भी आपका पूरा खत्म कर दूंगा। साथ ही ज्यादातर बच्चों को इसमें इंग्लिश का एक पेपर होता है, उसका बहुत डर लगता है। तो ग्रामीण परिवेश के जो बच्चे हैं उन बच्चों को इंग्लिश का डर लगता है, उनके लिए भी मैं बात करूंगा कि वो बच्चे कैसे इसको क्वालिफाई कर सकते हैं और किस तरह से अपनी तैयारी कर सकते हैं और क्या क्या इसके लिए हमें बुक्स पढ़ने की जरूरत है, हर चीज पे मैं डिस्कस करूंगा। तो शुरू करते हैं। इसके अंदर CRPF, BSF, CISF, ITBP, SSB ये सारी फोर्स शामिल होती है। हर साल एग्जाम होता है, एवरी ईयर इसका एग्जाम होता है और पूरा एक साल भर का प्रोसेस होता है। पूरी चीजें मैं आपको बताऊंगा, उससे पहले एक बार आप क्वालिफिकेशन देख लीजिए। और क्वालिफिकेशन इसकी है वो सब इंस्पेक्टर से भी आसान है, कांस्टेबल से भी आसान है। अगर हम फिजिकल स्टैंडर्ड देखें कांस्टेबल से आसान है, अगर हम फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट देखें तो वो भी सब इंस्पेक्टर और कांस्टेबल से भी आसान है। और दोस्तों, आप अगर कांस्टेबल बनने की योग्यता रखते हैं और ग्रेजुएट हैं तो आप भी 3 स्टार की ये नौकरी पा सकते हैं। आप में भी वो क्षमता है, बट एक डर अजीब सा है, वो सिर्फ आपको इसके बाहर नहीं निकलने देता है। तो इससे बाहर निकल के देखिए, जितना बड़ी एग्जाम्स होती है उनमें उतनी भीड़ कम होती है, उनमें कंपटीशन उतना ही कम होता है। वही बहुत से एग्जाम्पल मैंने अपनी लाइफ में ऐसे देखे हैं, जो कभी कांस्टेबल नहीं बन पाए वो असिस्टेंट कमांडेंट बन गए, जो कभी सब इंस्पेक्टर नहीं बन पाए वो भी असिस्टेंट कमांडेंट बन गए। तो क्वालिफिकेशन दोस्तों इसमें ग्रेजुएशन होता है, ग्रेजुएट होना चाहिए या अंतिम वर्ष में जो स्टूडेंट है वो भी इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। एज है इसमें 20 से 25 साल तक है और इसमें SC और ST कैटेगरी के लिए 5 साल की छूट है ऊपरी आयु सीमा में, और OBC कैटेगरी के लिए 3 साल की छूट दी गई है। फिजिकल स्टैंडर्ड की मैं बात करूं तो इसमें फिजिकल स्टैंडर्ड होता है दोस्तों, हाइट रहती है पुरुषों के लिए 165 सेंटीमीटर। सारे गवर्नमेंट जॉब, जितने भी डिफेंस के गवर्नमेंट जॉब हैं, उनसे सबसे कम हाइट इसी में होती है। महिलाओं के लिए ये हाइट रहती है 157 सेंटीमीटर न्यूनतम, पुरुषों के लिए चेस्ट रहता है 81 से 86 सेंटीमीटर, यानी 5 सेंटीमीटर का न्यूनतम फुलाव होना चाहिए। महिलाओं के लिए ये लागू नहीं है, पुरुषों के लिए इसमें न्यूनतम वजन 50 किलोग्राम होना चाहिए और महिलाओं के लिए ये वजन है वो 46 किलोग्राम होना चाहिए। इसके बाद दोस्तों इसमें ऑनलाइन आवेदन करेंगे, अगर ये क्वालिफिकेशन आपके पास है तो आपको ऑनलाइन आवेदन कर देना चाहिए। इसमें पूरा प्रोसेस मैं आपको बता दूं, स्टार्टिंग में सबसे पहले ऑनलाइन आवेदन करने के बाद रिटर्न एग्जाम होगा और लिखित परीक्षा के अंदर 2 पेपर होते हैं। पहला पेपर है, फर्स्ट पेपर है, वो 250 अंकों का होगा और ऑब्जेक्टिव टाइप होता है। उसके अंदर जनरल एबिलिटी और इंटेलिजेंस सिर्फ देखा जाता है, अर्थात जनरल नॉलेज पूरा भारत का सामान्य ज्ञान, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, जनरल साइंस, करंट अफेयर्स से संबंधित क्वेश्चन होते हैं और ये 250 अंकों का होगा, नेगेटिव मार्किंग होगी। कट ऑफ के बारे में मैं भी आपको बताऊंगा, डरने की जरूरत नहीं है। UPSC का नाम देख के आपको डरने की जरूरत नहीं है, आप आराम से पास कर सकते हैं, एक बार विश्वास तो करिए अपने आप पर। जब दोस्तों आप अपने आप पर यकीन करने लगते हैं तो आश्चर्यजनक परिणाम मिलते हैं। आप में भी वो सारी क्षमता है, बट हम अपने आप को कमजोर समझते हैं, इसलिए हम इन एग्जाम्स के बारे में ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं।
बहुत कम कंपटीशन है आज भी इन एग्जाम्स के अंदर, आज भी बहुत कम लोग इसके अंदर शामिल होते हैं, जो बच्चे डिफेंस से जुड़े हुए हैं, जिनके परिवार में कोई डिफेंस से है या किसी ने उसको बताया है, वो बच्चे आराम से ऑफिसर बने हैं। आप भी बन सकते हो, आपके परिवार का मैं मुखिया हूं और मुझे पता है, मेरी ये जिम्मेवारी बनती है कि मेरे परिवार में जितने बच्चे जुड़े हुए हैं, 1 लाख से ज्यादा का मेरा परिवार है, वो इस पूरे परिवार को मैं इस एग्जाम के बारे में पूरी जानकारी दूं, जिससे आप में भी वो कॉन्फिडेंस आ जाए। इसके बाद इसमें दूसरा जो पेपर होता है, 2 पेपर होंगे, एक ही दिन में दोनों एग्जाम होंगी। सुबह 10 से 12 में पहला पेपर होगा और 2 से 5 में दूसरा पेपर होगा। ये डिस्क्रिप्टिव टाइप होता है और 200 नंबर का होगा, जिसके अंदर से 80 नंबर का पार्ट है वो निबंध का आता है, एसे का आता है। नाम इस पूरे पेपर का इंग्लिश का पेपर है, बट इसके अंदर जो निबंध लिखना है वो आपकी च्वाइस पे डिपेंड करता है। आप हिंदी में लिख सकते हैं, इंग्लिश में लिख सकते हैं। तो 80 नंबर का तो आपका हिंदी का मैटर हो गया, एक तरह से निबंध आपको लिखना है, और 120 नंबर जो बच गए वो आपको ग्रामर से संबंधित होता है, जिसमें ऐसे होता है, प्रेसिस राइटिंग होती है। इस तरह से पूरा 200 नंबर का ये पेपर होता है और ये डिस्क्रिप्टिव टाइप होता है। तो ये दोनों पेपर एक ही दिन में होंगे और दोनों में अलग अलग पास होना जरूरी है। सबसे पहले पहला पेपर आपका फर्स्ट पेपर चेक किया जाएगा, उसमें न्यूनतम अंक अगर आप लाओगे तो उसके बाद आपका दूसरा पेपर चेक होगा। दोनों पेपर चेक होने के बाद कट ऑफ निकलती है और उसमें फिर आपको फिजिकल के लिए कॉल किया जाता है। फिजिकल जब होगा उसी दिन आपका मेडिकल भी होता है, तो फिजिकल और मेडिकल एक साथ होते हैं। फिजिकल के अंदर सबसे पहले PST होगा, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, जो मैंने स्टार्टिंग में बताया, हाइट, चेस्ट और वेट देके जाएंगे, और उसके बाद में होगा PET, फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट, और वो भी बहुत आसान सा है। पुरुषों के लिए 100 मीटर की दौड़ है, 800 मीटर की दौड़ है, लॉन्ग जंप है और एक शॉर्ट पुट है। महिलाओं के लिए सिर्फ 3 इवेंट है, 100 मीटर की दौड़ है, 800 मीटर की दौड़ है और लॉन्ग जंप है। तो इस तरह से एक नॉर्मल सा फिजिकल होता है, आराम से बच्चे क्वालिफाई कर सकते हैं। जो कांस्टेबल का कर सकते हैं वो आराम से, खूब आराम से कर सकते हैं। फीमेल एंड फीमेल कैंडिडेट्स दोनों इसके लिए आवेदन कर सकते हैं और दोनों को ही सारी पैरामिलिट्री में काम करने का मौका मिलता है। फिजिकल सिर्फ क्वालिफाइंग है, कोई भी एक्स्ट्रा इसका मार्क्स नहीं है। मेडिकल के अंदर आपको बता दूं कि इसमें चश्मा अलाउ है, लेजर अगर आपने करवा रखा है ऑपरेशन तो वो भी इसमें अलाउ है। तो चश्मे के साथ आपकी आई साइट है वो पूरी होनी चाहिए, और इसके अलावा नॉर्मल जो पैरामिलिट्री में मेडिकल स्टैंडर्ड है वो देखा जाता है, कोई बहुत ज्यादा टफ मेडिकल इसमें नहीं होता है। और इसके बाद इसमें अगर मेडिकल में अगर किसी को रेफर भी दिया जाता है तो उनको भी फिर फाइनली सेलेक्ट होने का मौका मिलता है। 15 दिन के अंदर आप उसके लिए दोबारा अपील कर सकते हैं और फिर से मेडिकल बोर्ड के सामने जा सकते हैं। लास्ट में इसमें दोस्तों इंटरव्यू होता है, और इंटरव्यू सिर्फ 150 नंबर का है। 450 नंबर का आपका रिटन एग्जाम हुआ था, 150 नंबर का इंटरव्यू होता है, UPSC लेती है, डरने की जरूरत नहीं है, बहुत आसान सा इंटरव्यू होता है। और उस इंटरव्यू के बाद फाइनल सिलेक्शन होता है, फाइनल मेरिट बनती है आपकी च्वाइस के अनुसार। पैरामिलिट्री में जाने के लिए आपको च्वाइस दी जाती है। अभी जब फॉर्म आपको ऑनलाइन भरना होगा उसी समय ऑनलाइन ही आपको च्वाइस देनी पड़ेगी, और उसमें कौन सा फोर्स सबसे अच्छा है इसके लिए आप एक च्वाइस वाला मेरा वीडियो डिस्क्रिप्शन में लगा हुआ है, वो देख लीजिए। आपकी CRPF अच्छा है, BSF अच्छा है, ITBP अच्छा है, SSB अच्छा है, कौन से फोर्स का क्या काम है और किस तरह से कौन से फोर्स को हमें पहले नंबर पर चुनना चाहिए। तो दोस्तों ये थी वैकेंसी की पूरी डिटेल, मैंने आपको बता दी। अब आप इसको एक बार मेरे कहने से एक बार आप फॉर्म अप्लाई करके देखिए। जो बच्चे नियमित रूप से मेरे साथ रहेंगे उनको हम पूरी तैयारी भी इसमें कराने वाले हैं, और पूरी तैयारी हमारे साथ करने के लिए इस चैनल पे करने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। साथ ही अपना एप्लीकेशन है प्ले स्टोर से जाके वो भी डाउनलोड कर सकते हो, रिम डिफेंस एकेडमी ऐप, जिसपे आप मामूली सी फीस पे करके आप हमारे साथ, हमारी बेहतरीन टीम के साथ अपनी तैयारी भी अच्छी बना सकते हैं। असिस्टेंट कमांडेंट के लिए पूरा मैटर आपको मिलने वाला है, हर चीज आपको बताएंगे हम इसमें। मैं भी अगले वीडियो में बहुत जल्दी आपको बताऊंगा एग्जाम के बारे में, फिजिकल के बारे में फुल डिटेल्स, कौन कौन से टॉपिक्स इसमें होते हैं, आपको पेपर की तैयारी कैसे करनी है, नोट्स कैसे बनाना है, और किस तरह से आप फाइनल तक पहुंच सकते हैं, कट ऑफ क्या रहती है, इसके बारे में भी अगले वीडियो में हम बात करेंगे। तो लगातार मेरे साथ बने रहिए, और जिन बच्चों ने मेरी ये बात सुन के अगर प्लान कर लिया है, अगर आपको समझ में आ गई है मेरी बात,
तो आप फटाफट आवेदन कर दीजिए, क्योंकि लास्ट डेट हो 5 मई है और 8 अगस्त को इसका रिटर्न एग्जाम होने वाला है और उसके बाद में साल भर में कंप्लीट होती है दोस्तों। हर साल ये वैकेंसी आती है, आपको कोई इंतजार करने की जरूरत नहीं है, फिक्स टाइम टेबल रहता है यूपीएससी का और उसी के अनुसार पूरी भर्ती कंप्लीट होती है। और अगर इसके बारे में कोई चीज जाननी है आपको तो कमेंट करके पूछ सकते हो मुझे, क्या चीज आपको इसके बारे में और जाननी है, और लगातार हमारे साथ बने रहिए। कैसा लगा वीडियो, दी हुई मेरी जानकारी अगर अच्छी लगी है तो लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करके मुझे भी बताइए कितना फायदा आपको इस चैनल से मिल रहा है। आज के लिए इतना ही, जय हिंद, थैंक यू, धन्यवाद। बिल्कुल फ्री टेस्ट सीरीज और स्टडी मटेरियल प्राप्त करने के लिए प्ले स्टोर से अभी डाउनलोड करिए रिम डिफेंस एकेडमी ऐप।